एमपी में पुलिस वालों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस बड़ा अभियान चलाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ऐलान किया, कांग्रेस एक सीरीज निकालने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि मोहन सरकार में किस तरह से सिलसिलेवार तरह से पुलिस की पिटाई हो रही है। चुनाव के बाद एमपी में अभियान चलाएंगे, देखिए एक खास रिपोर्ट। कटनी जिले के एक थाने में पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज किए जाने और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हंगामा करने वाले खुद को बीजेपी पदाधिकारी बता रहे हैं। लोग वीडियो में पुलिस अधिकारियों को वर्दी उतारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं देवास में भी अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम की महिला पुलिस पर हमला किया गया। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी गई है कि पुलिस को पीटो। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश में पुलिस पिटाई की पूरी सीरीज निकालने जा रही है। जब से गृह मंत्री बने हैं पुलिस कैसे पिटाई होती है, मध्य प्रदेश इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं खुली छूट है कि आप पुलिस को मारो, और पुलिस को क्यों मारो कि अपराध हो रहे हैं तो वो रोके नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी एक सीरीज निकालेगी बहुत जल्दी जिसमें मोहन यादव के कार्यकाल में कितनी पुलिस वालों की पिटाई हुई, हर जिले में हर तहसील में रोज पुलिस पिटती है, ऐसा प्रदेश दूसरा नहीं हो सकता है। इस पर कांग्रेस सीरीज निकाले। गुना ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश में जंगल राज हो गया, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा बोलना सरकार को बुरा लगता है, बेटियों की रक्षा में सरकार नाकाम है। हम चुनाव के बाद बेटियों के सम्मान में पूरा प्रदेश बंद करेंगे। जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि कानून का राज बचाने है, जंगल का राज है, तो ये घटनाएं उसको सत्यापित करती हैं। मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूँ कि ये माफिया गिरी यहाँ मध्य प्रदेश में हावी हो गई है, तो बड़े नाराज होते हैं वो। अभी कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जी ने कहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि उनके बयान पर मैंने क्रिटिसाइज़ किया। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हम मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे। परिस्थितियाँ प्रदेश की ऐसी बने, मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, बीजेपी के नहीं, जनता के हैं, हमारे भी हैं, हमारे से अलग हम विपक्ष में, इसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पर मुख्यमंत्री जी को ये प्रूव तो करना पड़ेगा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको भाषा उनकी बायस्ड होती है, बोली में जो शब्द हैं, जो शब्दावली होती, एक मुख्यमंत्री बड़ी भाषा बोले तो प्रदेश का सम्मान बढ़ता है, उनका खुद का भी बढ़ता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, एक तरह से उनको एक बिना मांगे एक सलाह देता हूँ कि मुख्यमंत्री का की भाषा बड़ी होना ये अपने आप में प्रदेश को बड़ा बनाने जैसा है। तो आप उनसे आग्रह है कि उसका उपयोग उनको करना चाहिए। रही बात बेटी के बलात्कार की, ये प्रूव हो चुका है सरकार से बेटियों की रक्षा नहीं हो सकती। उनके लिए गुना की घटना एक घटना है और इस प्रदेश के लिए बेटियों का सम्मान है। तो मैं मानता हूँ हमने इसका अभियान चलाया पूरे प्रदेश में और लगातार चला रहे हैं, चुनाव बाद फिर इसको चालू करेंगे और हम एक दिन पूरा प्रदेश बंद करेंगे बेटियों के सम्मान, पूरे प्रदेश को बंद का आह्वान करेंगे। दूसरी बात, पुलिस वालों की पिटाई, पुलिस वालों की पिटाई की एक घटना नहीं है, ऐसे रोज घटना घटती है, रोज वीडियो आते हैं। हम एक सीरीज जारी कर रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री के मोहन यादव जी के कार्यकाल में कितने पुलिस वाले पिटे, इसकी पूरी सीरीज बना। तो मैं ये और ये मोहन यादव जी को भेंट करा, उनको भेजेंगे कि मोहन भैया ये आपके कार्यकाल का काला चिट्ठा है, जो कानून का रखवाला है वो ही मार खा रहा है, और किससे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। तो स्वाभाविक है, जंगल राज है, इसको मना नहीं किया जा सकता है। यहाँ बेटी न सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न करप्शन को लेकर कोई बातें होती, और मुख्यमंत्री जो भाषा है वो मैं समझता हूँ सुधार की ओर उनका ध्यान देना चाहिए। सर आप कुल मिलाकर एमपी में पुलिस कर्मियों के साथ लगातार हो रही मारपीट के बाद अब कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।